people, welcome back to the channel. Today's video is again going to be about cycle. It's going to be actually a manual या एक guide आप एक तरह से समझ सकते हो. मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप एक नई cycle लेने जाते हो तो कौन सी buying tips आपको ध्यान रखनी चाहिए, किस तरह का आपका budget होता है, किस तरह का frame आपको चाहिए, क्या वो gear cycle होनी चाहिए जो आप लोगों को चाहिए, या फिर depend करता है कि आप कौन सी surface पे चलाने वाले हो. तो सारी चीज़ों का confusion मैं ये video में sort कर दूंगा people. जल्दी से like, share, subscribe कर दो please. And now let's get started with this video. First buying tip is people, cycles कई तरह के आती है. Type of cycle पता होना बहुत जरूरी होता है. जैसे कि आप लोग अगर मेरे पीछे चलोगे तो फिर आप लोग देख सकते हो मेरे लेफ्ट में है हाइब्रिड साइकिल आती है, यहाँ देखोगे आप लोग तो एक रोड साइकिल भी आती है, और मेरे पीछे देखोगे तो फिर एक माउंटेन बाइक साइकिल भी आती है. सो स्टार्ट करते हैं विद द माउंटेन बाइक साइकिल. इन सब का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है बिफोर यू गो एंड बाय अ साइकिल. माउंटेन बाइक में आप यूजुअली देखोगे तो 90% इंडिया में लोगों के पास माउंटेन बाइक से ही होती है. इसके टायर्स मोटे होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. आप लोग इसके हैंडल वैंडल भी देखोगे तो इसके हैंडल्स भी काफ़ी मजबूत दिए जाते हैं, क्योंकि माउंटेन बाइक है ये. तो ऑफ रोडिंग करने जाते हो, ज़्यादा ऑफ रोड करते हो, या लेजर पर्पज के लिए भी लोग जो यूज़ करते हैं तो वो माउंटेन बाइक ही लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं. चलते हैं अब दूसरी तरफ जो कि हमारी है रोड साइकिल. सो रोड साइकिल इज़ एक्चुअली वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट साइकिल्स जो आती हैं. इसके अंदर ड्रॉप हैंडल बार्स होते हैं, नॉर्मल हैंडल बार्स नहीं होते जैसे कि आप लोग ने पहले देखा. दिस इज़ मेड इन अ वे, द एरोडायनामिक इज़ मेड इन अ वे कि ये साइकिल बहुत एक्सट्रीमली फास्ट चलती है. अगर आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी रेसर्स होते हैं कॉम्पिटिशन्स में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर इंटरमीडिएट साइकिलिस्ट होते हैं, वो लोग ये सारे यूज़ करते हैं. एक डिफरेंस इसके अंदर सबसे बड़ा ये है, आप लोग देखो कि इसका टायर कितना ज़्यादा पतला है. ये पतला इसके लिए है बिकॉज जितनी एरोडायनामिकली एंड ऑल्सो वेन यू राइड इट ऑन द रोड आपको स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है इसके अंदर. एंड नाउ कमिंग टू द हाइब्रिड साइकिल. तो ये हमारी हाइब्रिड साइकिल है. हाइब्रिड साइकिल के अंदर नॉर्मल बार्स आते हैं जैसे कि आप लोग हैंडल देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस जो है वो है टायर का. ये टायर रोड साइकिल से थोड़ा बड़ा है और माउंटेन बाइक से थोड़ा सा छोटा है. मोस्टली हाइब्रिड साइकिल्स जो होती हैं वो आप लोग लॉन्ग कम्यूटिंग पर्पज़ के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो. अगर आप लोग कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो उसके लिए आराम से यूज़ हो जाती है ये. ज़्यादा फास्ट नहीं परफॉर्म करती रोड पे, ना ज़्यादा स्लो परफॉर्म करती है. एक जो बैलेंस है दोनों के बीच का, एक MTB और एक रोड साइकिल के बीच में जो बैलेंस है वो एक अच्छा करती है. ऑफ रोड में फिर भी थोड़ा सा इसको ज़्यादा कम मार्क्स ही दूंगा. ऑफ रोड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, बट लेजर पर्पज एंड फॉर एनी अदर कम्यूटिंग पर्पज इट्स अ टॉप नॉच साइकिल. ऑल्सो पीपल, रोड साइकिलिंग के साथ कभी भी ऑफ रोडिंग मत करना, इट्स अ बिग नो नो. या तो आप साइकिल तोड़ के आओगे या तो आप खुद को तोड़ के आ जाओगे, उसके लिए माउंटेन बाइक है. तो ये सारे डिफरेंसेस आप लोगों को दिमाग में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड बाइंग टिप इज टू रिमेंबर वॉट काइंड ऑफ गियर्स डू यू नीड इन योर साइकिल. डू यू नीड अ नॉन गियर साइकिल और डू यू नीड अ गियर साइकिल. इसका डिफरेंस बता देता हूँ. ये रही सामने गियर साइकिल. यहाँ पे ये फ्री व्हील दिया गया है, उससे कैसेट के ऊपर चेन दी गई होती है. ये गियर्स होते हैं, ये पीछे के गियर्स हैं, और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये आगे के गियर्स होते हैं, और अगर आप लोग ऊपर आके देखो तो फिर ये शिफ्टर्स होते हैं गियर्स के. ये पीछे का, ये आगे का है, और ये पीछे के शिफ्टिंग होते हैं. नाउ कमिंग टू द नॉन गियर साइकिल. तो नॉन गियर साइकिल पे हमारी एक सिंगल स्पीड चेन दी गई होती है जिसके ऊपर पूरी साइकिल चलती रहती है, और आगे कोई भी तरह के शिफ्टर्स नहीं दिए गए होते हैं. नाउ द डिफरेंस बिटवीन गियर एंड नॉन गियर इज दैट गियर साइकिल आप तब यूज़ करते हो जब आपको एक इंक्लिनेशन या एक चढ़ान या एक स्लोप पे जब चढ़नी होती है, तब आपको गियर साइकिल्स यूज़ आती है. जब आप अपनी स्पीड मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द वे यू वॉन्ट टू पेडल, तब आपके काम आती है गियर साइकिल. और नॉन गियर साइकिल तब वो सारे मोमेंट्स जैसे चढ़ान है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो चढ़ने के लिए. इसका एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बना है गियर वर्सेज नॉन गियर का, आप लोग आई बटन में देख सकते हो, वो देख लेना अगर आप लोगों को और ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो. टिप नंबर 3 पीपल, दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग फ्रेम साइज चूज करना है, एंड ऑल्सो वाइल बाइंग चेक द फ्रेम क्वालिटी एज वेल. अब देखो ये होता है फ्रेम एक साइकिल का, अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो देखो इसको बोलते हैं फ्रेम. ये एक निकला हुआ फ्रेम है तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ. देखो इसको, ये होता है एक प्रॉपर, आप लोग देखो तो. अब फ्रेम क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे मेजर करते हैं फ्रेम. उसकी तरकीब ये है कि अगर आप लोग देखो ये जो नीचे से है ना साइकिल वाले नॉच की तरफ से, यहाँ से लेके जो साइकिल जो अपना सॉकेट है, सॉकेट या अपना जो भी क्विक रिलीज तक, यहाँ सीट के यहाँ तक की जो मेजरमेंट होती है ना,
इससे फ्रेम साइज एक्चुअली हम पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका आप लोग चार्ट एक देख सकते हो। तो उसमें 14 इंच आता है, 16 इंच होती है, 19 इंच होती है, 17 इंच होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट हाइट साइजेस के लिए डिफरेंट तरह की फ्रेम्स आती है। अब फ्रेम क्वालिटी की बात करते हैं, तो फ्रेम क्वालिटी में भी तीन तरह की मोस्टली क्वालिटी आती है। जैसे अगर आप लोग ये फायरफॉक्स वाली साइकिल देखो, तो ये जो है ये स्टील क्वालिटी है। अगर मैं माइक को भी पास में लेके आऊँ तो देखो, स्टील क्वालिटी है ये। एंड फिर अगर आप लोग देखो तो ये जितनी साइकिल्स खड़ी है तीनों, ये एलुमिनियम अलॉय है। अगर आप लोग यहाँ आ जाओ, जैसे कि ये एलुमिनियम अलॉय है, तो इसकी आवाज़ कुछ इस तरह आती है, ये एलुमिनियम अलॉय है। एंड जो थर्ड क्वालिटी होती है वो होती है कार्बन फाइबर। वो उसकी एक इमेज देख सकते हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर, वो बहुत महंगी और बहुत प्रोफेशनल साइकिल्स में आती है, बिल्कुल रस्ट वस्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं होता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट उस तरह की है तो फिर आप लोग उस तरह मतलब कार्बन फाइबर में चूज़ कर सकते हो, या एलुमिनियम अलॉय में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अभी की साइकिल्स में, या फिर नॉर्मल जैसे कि स्टील मैंने आप लोगों को दिखाई तो वो भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। द फोर्थ बाइंग टिप दैट यू हैव टू रिमेंबर इज चेक द क्वालिटी ऑफ द ब्रेक्स। देखो तीन तरह के ब्रेक्स आते हैं, एक आते हैं वी ब्रेक जो कि यहाँ पे इस साइकिल में लगे हुए हैं, देख लो आप लोग इस तरह वर्क करते हैं, ये जो वी है ना इसको वी बोला जाता है, ये वी ब्रेक है। सेकेंड ब्रेक जो आते हैं वो आते हैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, जो कि देख लो इस तरह वर्क करते हैं। अगर आप लोग देख सकते हो, ये देखो ऊपर इस तरह से मैं दबा रहा हूँ यहाँ से, तो इस तरह वर्क करते हैं। और जो तीसरे आते हैं वो आते हैं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, जो कि आप लोग देख सकते हो किस तरह से वर्क करते हैं। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। मोस्टली सब साइकिल्स में मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, और जो वी ब्रेक जो कि पावर ब्रेक है वो भी आप लोगों को देखने मिल जाते हैं। तो चूज़ वाइजली आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा अगर आप लोग प्रोफेशनली नहीं चलाते तो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स और वी ब्रेक्स जो होते हैं वो भी आपके काम आ सकते हैं। द लास्ट एंड द फाइनल बाइंग टिप पीपल इज दैट यू हैव टू चेक, यू हैव टू नो द व्हील साइजेस जो आपकी हाइट और आपके राइडिंग सूटेबिलिटी के लिए करेक्ट हो। जैसे कि अगर आप लोग ये साइकिल देखोगे तो इसका व्हील साइज है 26 इंच, इसके ऊपर लिखा भी होता है अगर आप लोग देखोगे तो 26 इंच का यहाँ पे लिखा है कि ये टायर है। और अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे भी ये 27.5 इंच का व्हील साइज है, इसके ऊपर भी टायर्स के ऊपर मोस्टली लिखा ही होता है कि 27.5 इंच का टायर है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मूविंग ऑन टू दी अदर साइज जो कि तीसरा एंड द लास्ट साइज विच इज 29 इंच का टायर है ये वाला, इसके ऊपर भी मोस्टली सब साइकिल्स में लिखा ही होता है कि ये 29 इंच का है। अब कैसे कि 26 इंच जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है वो लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब मैं 27.5 चलाता हूँ क्योंकि मैं 5'6" हूँ, तो फिर मेरे लिए 27.5 है। कोई 6 फुट का है, किसी को बड़ी साइकिल चाहिए तो फिर उन लोग 29 इंच वाली यूज़ करते हैं। सो फ्रेम साइज और व्हील साइज के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द राइट साइकिल। ऑल्सो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, जैसे कि अगर आप लोग आगे देखोगे तो आगे इस तरह से सस्पेंशंस दिए होते हैं, ये वाले जो सस्पेंशन ये होते हैं, तो ये भी आप लोग चेक करके लेना जब भी लोगे। अगर बहुत महंगी साइकिल लोगे ना तो महंगी साइकिल्स में पीछे भी सस्पेंशन आते हैं, नहीं तो अदरवाइज आगे की साइकिल्स मतलब आगे सस्पेंशन मोस्टली हर साइकिल्स में आपको मिल जाते हैं। लास्टली पीपल, इट ऑल कम्स डाउन टू द बजट, पैसों के ऊपर आ जाती है बात। अगर आप लोगों का बजट अच्छा है, अगर 10,000 से ऊपर है, तो मैं बोलूँगा एक गियर साइकिल लेना, अच्छी साइकिलिंग हैबिट्स उससे अच्छी रहती है। गियर साइकिल मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन हाँ जो साइकिलिंग एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपका बजट 8,000-9,000 तक ही सीमित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, एक अच्छी नॉन गियर साइकिल ले लेना। जितनी मैंने आपको बाइंग टिप्स बताई है वो सारी आप लोगों को याद रखनी है व्हेन एवर यू गो आउट टू बाय अ न्यू साइकिल। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच हरीश साइकिल्स भाई, आशीष थैंक यू सो मच for helping me out to arrange all these cycles, for letting me shoot in your store, this beautiful store as you guys can see. Jaipur ke andar main shoot kar raha hu guys, kisi ko agar cycle leni hogi to fir Harish cycles sabse best jagah, sari cycles mil gayi aap logo ko tips dikhane ke liye, to fir agar aap logo ko khareedni hai to bhi sari cheeze mil hi jayegi. Thank you so much for watching the video people, we come to the end of the video now. Like, share, subscribe kiye bina jana nahi, please please please. Koi baat agar aap se logo ko mujhse janni ho, Instagram pe DM kar sakte ho, jaake follow bhi karo mujhe jaake, and see you guys next time.